那么。 स्वच्छादिरुद्यम् सुख नाम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूं आइए हम लोगों ने महाकुष्ठ पढ़ लिया था कल और आज हम लोग शुद्र कुष्ठ ये पढ़ेंगे महाकुष्ठ जो है वो 60 प्रकार का होता है दोषों के हिसाब से मतलब वातज पित्तज कफज और उनके नाम भी दिए हैं जैसे वातज वाला होता है कापाल कुष्ठ होता है पित्तज वाला होता है वो औदुम्बर कुष्ठ होता है कफज वाला जो होता है वो मंडल कुष्ठ होता है ऐसे हमने पढ़ा है कल आज हम लोग शुद्ध कुष्ठ पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास तो डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए अगर डायग्नोसिस परफेक्ट रहता है तो ट्रीटमेंट करना भी बहुत इजी हो जाता है तो माधव निदान इसलिए रोज पढ़ना चाहिए तो इसमें ऐसे बता रहे हैं एकादश कु महावास्तु यकलोपम तदेक कुष्टम चर्माख्यम बहुलम हस्ती चर्मवत किण खर स्पर्शम परुषम किटिभम स्मृतम वैपादिक पाणी पाद स्फोटनम तीव्र वेदनम कंडूद मत भी सर गंडेर अलग सकम चितम स कंडू राग पीड़कम दद्रु मंडल मुद्गतम स रक्तम स शूलम कंडु मत स स्फोटम गलत्यपि तच्चर्म दल माख्यातम संस्पर्श सह मुच्यते सूक्ष्म भव्य पीड़का सस्राव सेव, स्पोटेड इस, तीव्र दाहेरु पेता, गया पाने हो, कच्चू रुग्रहा विस, स्विचोष्य, स्रि, स्वोटा शाव वारुना भाषा विस्वोटा, सिउस्तनुस्तु चहा, रक्तम शावम सदा हार्ति, शतारुहु स्याद बहु वरनम्, सकंडहु पिडकास त्रावा, शावा बहु त्रावा विचर्चिका, मतलब एक कुष्ठ जो है, पसीना ना आए का स्थान बड़ा हो अर्थात बहुत ब, बड़ी जगह फैला हो त्वचा मछली के त्वचा के समान हो जाए उसे एक त्वचा तो मछली के त्वचा के समान हो जाता है और बहुत जगह में फैल जाता है चर्म कुष्ठ में त्वचा हाथी के त्वचा के समान मोटी हो जाए उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं मतलब मोटा त्वचा हो जाता है किटिप कु नीली पड़ जाए और व्रण के स्थान पर रूखी और कर्कश हो जाए उसे किटिव कुष्ठ कहते हैं वैपादिक कुष्ठ मतलब हथेली और तलुओ की त्वचा फट जाए उनमें अत्यंत पीड़ा उसे वैपादिक कहते हैं अलसक कुष्ठ है तो लाल रंग के बहुत से फोड़े निकले और उनमें खुजली हो उसे अलसक कुष्ठ कहते हैं दद्रु कुष्ठ लाल लाल फुलसा किसी स्थान में निकले और उनमें खुजली हो उसे दद्रु मंडल कहते हैं यह मंडलाकार उत्पन्न होता है चर्मदल कुष्ट ऐसे लग रहा है कि सब एक जैसे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सब में डिफरेंस तो पामा छोटी छोटी बहुत सी फुंसियां निकले उसमें खुजली जलन और श्राव उसे पामा कहते हैं कच्छू वही फुंसियां यदि बड़ी हो जलन बहुत हो हाथों में और कमर में हो तो उसे कच्छू कहते हैं विस्फोट फोड़े लाल या काले हों तो जब पतली हो जाए उसे विस्फोटक कहते हैं शतारु जिसमें फोड़े बहुत हो जलन और पीड़ा हो फोड़ों का रंग लाल या काला हो उसे शतारु कुष्ठ कहते हैं विचर्ची जिसमें नीले रंग की बहुत सी फुंसियां निकले और उसमें खुजले श्राव बहुत हो उसे विचर्ची कुष्ठ कहते हैं टीका कर क्या बोलते हैं अतः परम एकादश शुद्र कुष्टान्यु चंते अस्वेदनम इत्यादि महावास्तु महास्थानम मत्स्य शक्लोपमी मत्स्य त्वक सदृश चर्माख्यम चर्मकुष्टम बहल मतलम किण खर स्पर्श किणो व्रण स्थान परुषम वृक्षम व्यापादिक मिति व्यापादिकाया स्वार्थ गंडे रीति स्फोट ही दद्रु मंडल मिति मंडल रूप कीर्तनम ननु कथमस्य चरके शुद्रत्नाधानम शुशुते महाकुष्ठे दुस् उत्या चर्के महाकुष्ठे सुष्रुते शुद्रकुष्ठे दर्शित उच्यते असीता दुअवगाढ़ महाकुष्ठम चरके नवगाढ़ मूला शुद्रकुष्ठम शुश्रुते असीतेतवा विसर्पकुषे अंतर्भाव विसर्पण तथा तथागा सिद्ध में चल के महाकुष्टम सिद्ध सिद्ध मुस्तिका तू त्वंग मात्र गते सुश्रुते शु, शुद्र मतलब रुक्ष महाकुष्टों के सप्त महाकुष्टों के लक्षण लिख चुकने के पश्चात एकादश शुद्र के लक्षण लिखते हैं और इत्यादि महावस्तु महास्थान अर्थात अधिस्थान घेरने वाला मत्स्य शक्लोपम मतलब मछली की त्वचा के, के सदृश चर्माख्यम अर्थात चर्म नाम वाला ना हो, मोटा हो। का मतलब है? के स्थान को कहते हैं है। शब्द को स्वार्थ में अन्न प्रत्यय होने पर व्यापादिक ऐसा रुक्ष बन जाता है अर्थात व्यापादिका को ही व्यापादिक कहते हैं गंडे अर्थात छोटे छोटे स्वटो से युग दद्रु अर्थात मंडलाकार गोल होने से से दद्रु मंडल कहते हैं अब इसमें शंका उत्पन्न होती है कि सुश्रुत में इस दद्रु को महाकुष्ठ माना गया है तो चरक ने इसे शुद्र कुष्ठ क्यों माना गया इस प्रकार सिद्ध को चरक में महाकुष्ठ माना है और सुश्रुत में शुद्र कुष्ठ माना है इस प्रकार एक वस्तु को भिन्न क्यों माना इसका इस प्रकार समाधान करते हैं कि सुश्रुत में काले वर्ण की और गहरी जड़ वाली दद्रु दात को महाकुष्ठ कहा जाता है जो कालीन और गहरी और जड़दार बिन् ऐसी अरुण मंडलाकार दद्रु को चरक ने शुद्ध कुष्ठ मान लिया है सुश्रुत ने इस प्रकार की अरुण मंडलाकार दद्रु का विसर्प कुष्ठ में अंतर्भाव कर लिया है क्योंकि वह अधिक फैलती जाती है इस प्रकार अवगाड़ अर्थात गहरे सिद्धम को चरक में महाकुष्ठ माना गया है और सुश्रुत में केवल त्वचा तो अच्छा पर फैलने वाली सिद्धम पुष्पिका को शुद्र कुछ में ले लिया गया है काली दद्रु में काले सिद्ध का अंतर्भाव हो जाता है यह गदाधर का मध्य है किंतु जेजट कहते हैं कि चरकोक्त सिद्ध को भी सुश्रुत में दद्रु शब्द से माना गया है केवल नाम से भेद हो जाता है किंतु वस्तु रोग में भेद नहीं है क्योंकि समान शब्द से कई भिन्नार्थवाचक द्रव्य पाए जाते हैं इसलिए इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है किंतु मधुपोषकार श्रीकंठ कहते हैं कि जेजट की यही युक्ति यहाँ पर ठीक नहीं लगती क्योंकि इन दोनों के लक्षण तो भिन्न भिन्न है अर्थचर चरक और सुश्रुत में कुष्ठ के संबंध में बहुत सा मतभेद पाया जाता है उदाहरणार्थ कि की शुश्रुतोक्त तो अरुण कुष्ठ चरक में पाया ही नहीं जाता इस चरकोक्त तो मंडल को शुश्रुत में नहीं मिलता चरक के रक्सा आदि शुद्ध कुष्ठ चरक में नहीं पाए जाते हैं इसलिए इन सबका यही समाधान है किंतु कि कुष्ठ असंख्य होते हैं और इसमें से कुछ चरक में पाए जाते हैं कुछ शुश्रुत में चरक में कहा भी है कि कुष्ठ

जगह सब जगह तीनों दोषों के लक्षण समझ लेना चाहिए अब इसमें और प्रश्न उठता है कि यहाँ पर एक कुछ से लेकर विचर्चिका तक बा, बारह कुर कुछ, बार, बा, बा, बार कुछ तो ग्यारह कैसे रहे इसका समाधान कहते हैं कि विचर्चिका ही जब पाओं में पहुंचकर पाओ को फाड़ देते हैं तो उसे विपादिका कह देते हैं इसलिए संख्या में वृद्धि नहीं होती भोज तंत्र में भी कहा है कि हाथ पाओ में रहने वाले त्वचा और मांस को दुष्कृत शीघ्र पेड़ का उत्पन्न कर देते हैं उसमें दाह होता है और खुजली होती है हाथ की त्वचा फट जाती है कर्कश और रुक्ष हो जाती है हाथों में होने वाले इसे विचर्चिका कहते हैं यदि यही पिड़का पाओ में पहुंचकर उपरोक्त उपद्रव उत्पन्न करे तो इस विचर्चिका को ही स्थानांतर गमन करने के कारण व्यापाधिका कह देते हैं यह गदाधर का मत है दूसरे आचार्य कहते हैं कि सैव है रूपेता इत्यादि पद से यह संकेत मिलता है कि वही पामा जब तीव्र बड़े बड़े फोड़ों से व्याप्त हो जाते हैं तो उस पामा को ही देते हैं अतः है। है। शुद्र कुष्ठ बारह होकर ग्यारह ही रहते हैं महाकुष्ठों के पश्चात शुद्ध कुष्ठों के लक्षण लिखते हैं एक कुष्ट, एक कुष्ठ एक कुष्ठ जिस कुष्ठ में पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाए जिसका स्थान भारी हो जिसमें की त्वचा मछली की त्वचा के समान छिलको वाली जैसी हो उसे एक कुष्ठ कहते हैं चर्म कुष्ठ जिस कुष्ठ में त्वचा हाथी के खाल की तरह मोटी हो जाए उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं किटिब कुष्ठ जिस कुष्ठ में त्वचा नीली खुरदरी और रूखी पड़ जाए उसको किटिब या किटि कुष्ठ कहते हैं व्यापारिक कुष्ठ जिस कुष्ठ में हाथ पाक फटने लगे और शत स्थान में अत्यंत पीड़ा हो उसे व्यापादिक कुष्ठ कहते हैं अलस कुष्ठ जिसमें लाल रंग के अनेक स्फोटो हो जाए और उनमें शरीर पर खुजली हो उसको कुष्ठ कहते हैं दद्रु कुछ जिस कुछ में लाल रंग की छोटी छोटी मंडलाकर कर उत्पन्न हो जिनमें खुजली अधिक हो उसे मंडल दद्रु कहते हैं आम बोल चाल में इसे दाद कहते हैं और यह बड़ा प्रसिद्ध रोग है दाद शरीर के किसी भी भाग पर अंगूठी के समान गोल एवं लाल रंग का घेरा सा बन जाता चोट है उसमें बहुत छोटी छोटी चटु पीड़काएं उत्पन्न हो जाती है अर्थात यह घेरा मंडल पीड़काओं का ही होता है इसमें बड़ी बड़ी मीठी मीठी खुजली होती है और यह धीरे धीरे सारे शरीर में फैलता जाता है प्रथमा अवस्था में यह साध्य होता है किंतु आगे चलकर जब यह सारे शरीर में फैल जाता है तब तो बड़ी कठिनता से ठीक होता है और कभी ठीक भी नहीं होता है अत्य भी कहा जाता है चर्मदल जिसमें रक्त वर्ण के फोड़े निकल आवे उनमें पीड़ा और खुजली हो त्वचा गल सड़ गई हो और पीड़ा के मारे वस्त्र आदि का स्पर्श भी न सहा जाता उसे चर्म दल कहते हैं पामा को शरीर में पर छोटे छोटे असंख्य पीड़काएं आवे जिसमें से श्वेत वर्ण का स्त्राव बहता हो खुजली और दाह होता हो उस कुष्ठ को पामा कहते हैं कच्छु वही पामा जिसमें की बोटे मोटे फोड़े निकल आवे जिनमें की पामा के लक्षणों के अतिरिक्त दाह अति ती तीव्र हो उस उग्र व्याधि को कच्छु कहते हैं किंतु यह स्वट हाथों में और कुल्लो में होता है विस्फोट फोड़े लाल और काले हो जाते हैं त्वचा पतली हो जाती है उसे विस्फोट कहते हैं शतावरु शारु जिसमें छोटे छोटे गुच्छाकार लाल और काले रंग के असंख्य व्रण हो जाए उनमें दाह दाहौर पीड़ा शतारु कहते हैं विचर्चिका जिसमें श्यावरण की पिड़काएं हो जिसमें खुजली हो और अधिक श्रावर्चिका कहते हैं शुद्र कुछ तो ग्यारह माने गए हैं किंतु पर बारह हो गए इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि पामा और कच्चू तो एक ही हैं, किंतु स्थान भेद से इनको पृथक कहा गया है अर्थात दोनों की एक दोनों को एक मान लेने पर केवल ग्यारह कुष्ठ ही रह जाते हैं दूसरा समाधान यह है कि विचर्चिका और व्यापारिका को एक मान लेने पर ग्यारह रह जाते हैं

पित्त कुष्ठ में दाह और स्त्राव होता है कफज कुष्ठ में गीलापन चिकनापन खुजली शीतला शीतलता और भारीपन होता है दो दोषों के प्रकोप से जो कुष्ठ होता है उसमें दो दोषों के लक्षण मिलते हैं तथा तो त्रिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं इसी तरह से यहाँ पे एक चीज बताया कि विचर्चिका और विपादिका एक ही कुष्ठ है ये पैरों में होता है तो इसका नाम विपादिका अन्य स्थान में होता है तो विचर्चिका कुछ वैद्यों का मत की पामा और कुष्ठ एक ही कुष्ठ है इसकी एक ही संख्या माननी चाहिए टीकाकार क्या बोलते हैं कि दोष दोशत्रित्रीमत मतम महा खरम शवावर्ण शवर्ण शव चरके वापस चर्के दोष विशेष कुष्टजनक हेतुना परस्परम्ञाप्यपक मुक्त यथा कुष्ठ विशेष दोषा दोष विशेष पुनश्च ज्ञायन्ते ते हेतु हेतुस्थ तो प्रकाशयति चरक चिकित्सा स्थान इति में दोषों के विशेष लक्षणों का निर्देश करते हैं शाव और रंक, लाल होता है। चरक में दोष विशेष और कुष्ठोत्पादक कारणों में परस्पर ज्ञापक भाव माना गया है कहा भी गया है कि पृथक पृथक से दोषों का न्याय नया पृथक पृथक दोषों द्वारा कुष्ठों का ज्ञान होता है वे वाता दोष कारणों की और कुष्ठोत्पादक हेतु को प्रकाशित करते हैं ऐसे कापाल देखकर उसमें वात दोष की अधिकता का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार दोषों को देखकर हो जाता है। कुष्ठ में श्यावरुण खर रुख आदि लक्षणों को देकर वायु की अधिकता प्रकट हो, हो खर, जाने पर उसे वातजन्य कापाल समझा जा सकता है गया, लक्षणों को मंडल कुष्ठ का बोध हो जाता है

सड़ाव दाह ला, लाली और स्त्राव अधिक होता है तो कफज कुछ में क्लेद चिपचिपाहट अधिक होता है खुजली होती है यह कुष्ठ कठोर चिकना शीत स्पर्श दो और भारी होता है दो दोषों के मिश्रण से द्वंदज और त्रिदोष प्रकोप से संपात कुष्ठ होता है इसके बाद आगे पढ़ते हैं सप्त धातुगत कुष्ठ के लक्षण 25 से देखते हैं त्वकस्ते तो वैवर्णम अंगेशु कुष्ठे रोक्षम चायते त्वक स्वापो रोम वेदस्यातिप्रवर्तनं कण्डुविपयकश्चैव कुष्ठे शोणितं अश... संश्रिते बाहुल्यं वक्तृशोषश्च कार्कश्यं पिटकोत् गद्मः तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मास समाश्रिते क्वाण्यं गतिशयो अङ्गानां संभेदः स शतसर्पणं मेदस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च नासा भङ्गवक्षिरागश्च शतेषु कृमि सम्भवा त्रोपघातश्च भवेदस्ति मज्ज समाश्रिते दमपत्य हो, हो, हो। होता, होता है तो देह विवर्ण हो जाता है त्वचा रुखे और शून्य हो जाती है रोमांच होता है पसीना बहुत आता है यहाँ त्वचा से मतलब रस धातु समझना चाहिए रक्त कुछ मतलब जब कुष्ट रुधिर में प्राप्त हो जाते तो खुजली है पीप निकलता है मासगत कुष्ट में मांस में जब कुष्ठ प्राप्त हो जाता तो है तो मुंह बहुत सुखता है त्वचा कर्कश हो जाती है फोड़े और फुनसिया बहुत निकलती हैं, की सी है सुई चुभा की कुष्ठ रोग प्राप्त होने पर हाथों की उंगलियां गिर जाती है चलने की शक्ति नहीं रह जाती अंगों में टूटने की सी पीड़ा होती है व्रण बहुत बड़े हो जाते हैं रस रुदिर मासगत कुष्ठ में भी यही लक्षण होते हैं अस्थि मज्जागत कुष्ठ अस्थि और मज्जा में जब कुष्ठ प्राप्त हो जाता है तब नाक बैठ जाती है आंखें लाल हो जाती है घाव में पीड़े कीड़े पड़ जाते हैं स्वर भंग हो जाते हैं पुरुष के वीर में प्राप्त हो हो गया तो, हो गया तो तो अथवा स्त्री के उससे संतान को भी लक्षण क्रमेणाह व्यवरण इत्यादि त्वक शब्देना रसोभि धातु प्रसाद प्रस्ताव त्वक शब्देन रससेन तत्थान्या जेड जे जेष्ट जे जे तो में वाह इसका मतलब यह है कि जब क्रमशः उत्तरोत्तर सब धातुओं में पहुंचे हुए कुष्ट के लक्षण कहते हैं तो कस्ते इत्यादि त्वक शब्द से यहाँ धातु का ग्रहण होता है क्योंकि तो ऊपर धातुगत पुष्टि के लक्षण निर्देश की प्रतिक्रिया की गई है त्वचा स्वयं तो कोई धातु नहीं होती है किंतु रस धातु का अधिष्ठान त्वचा होती है अर्थात त्वक शब्द से यहाँ पर रस का ही ग्रहण करना चाहिए जे जेड तो त्वक शब्द से त्वचा का ही ग्रहण करते हैं किंतु चरक में बाह्य त्वचा को उदक धरा माना है रस को ग्रहण करने योग्य न होने से दूसरी त्वचा को रक्त धरा माना जाता है रस को, रस धातु धातु को तो शारीरिक जल जल से भिन्न वस्तु है इसलिए कहा भी आए कि शरीर में दस, दस परिमित होता है और रस नौ अंजलि परिमित चरक चिकित्सा स्थान अध्यय सात रस को छोड़कर रक्त आदि धातुओं में होने वाले कुष्ठों का निर्देश करने का अभिप्राय यह है कि दोष पहले से ही रस में रस को अपने वश में करके तिरक सिराओं द्वारा शरीर में फैलकर का कारण बन जाते हैं क्योंकि प्रधान प्रधानओं में रक्त ही अवस्थित रहता है प्रत्यक्ष क्योंकि सुश्रुत में कहा गया है कि सब धातुओं में अनुसरण करते ही उनका महत्व सिद्ध हो जाता है चिकित्सा स्थान अध्यय पांच सर्व धातु इत्यादि वाक्य में सर्व शब्द से रस धातु का भी ग्रहण हो जाता है भोज तंत्र में भी कहा है कि

समाचित कुष्ठ के लिए ही कहा गया है तथापि अगली अगली धातुओं के दूषित होने पर उनके साथ पूर्व पर धातुओं की दृष्टि के लक्षण भी पाए जाते हैं ऐसा जानना चाहिए क्योंकि न्याय तो सबके लिए एक समान ही होता है जैसा भी जैसा कि कहा भी है कि समान कार्यों के लिए एक स्थान पर निर्दिष्ट विधान दूसरे वैसे स्थान पर पूर्वत लागू हो सकते हैं शुक्रगत कुष्ठ के लक्षण मिलते हैं अः दंत इत्य, दग्धोद इत्यादि वीरगत कु को देखकर हो सकते हैं क्योंकि वह संतति भी युक्त होती है यहाँ पर शुक्र दुष्टि के लक्षणों का निर्देश में तो संतान होता है। भी दम यहां पर शब्द से पूर्वी से मास पर्यत होने वाले कुष्ट लक्षणों का समावेश हो जाता है कुष्टतम अर्थात जिसमें कुष्ठ हो गया हो तारकाधिक में आने से अच प्रत्यय हो जाते हैं यहाँ पर शुक्र अथवा आर्तव यद्यपि कुष्ट

इस पंक्ति को रक्त के लक्षणों के साथ सम्मिलित कर लेते हैं रक्त में अधिष्ठित कुष्ठ में खुजली अधिक होती है और पोय अर्थात मवाद का स्त्राव होता है कुष्ठ में मुंह बहुत सूखता है कर, त्वचा करकश हो जाती है फोड़े फुंडसियां बहुत निकलती है सूचोने की से पीड़ा होती है कुष्ठ फटने लग जाते हैं अर्थात पूर्वोक्त पीड़काएं तथा अन्य स्पोट फुटकर बहने लग जाते हैं तथा व्रण वस्तु स्थिर व कठोर हो जाता है मेदगत कुष्ठ में हाथ की उंगलियां और गलकर झड़ने लग जाती हैं। तो चलने फिरने में अशक्त हो जाते है, है।, है। अस्थिर मज्जा में जब कुष्ठ पहुंच जाता है तब नाक बैठ जाती है आंखें लाल बनी रहती है व्रणों में कीड़े पड़ जाते हैं और आवाज बैठ जाती है स्त्री अथवा पुरुष इनमें से किसी एक के एक में कुष्ठ का अधिक प्रकोप हो जाने से यदि उसका प्रभाव रजर और पे पड़ जाए तो रजर वीरे वीर भी कुष्ठ रोग से दूषित हो जाते हैं तो उसमें उत्पन्न होने संतान भी अवश्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाती है इसके बाद में आ रहा है साध्य साध्य कुष्ठ साध्यम त्वरक्त तो मासस्तम मास श्लेषमाधिकम चयत मेदसी द्वंद्वजम व्याप्यम वर्जम मासास्ति संश्रितम कृमि त्रिडदाह मंदाग्नि संयुक्तम यत्रिदोषजम प्रभिन्नम प्रस्तुतांगम च रक्त नेत्रम हतस्वरम कर्म रस, और कुष्ठ तथा उत्पन्न दोषों से हुआ तो करने पर साध्य होता है। मज्जा और अस्थिगत कुष्ठ की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जिस कुष्ठ में कीड़े पड़ गए हों प्यास दाह और मंदाग्नि जिस कुष्ठ रोगी को हो गए हो जो कुष्ठ तीनों दोषों के प्रकोप से हुआ हो फूट गया हो बहता हो आंखें लाल हो गई हो स्वर बैठ गया हो और पंचकर्म बमन विरेचना गुण निष्फल हो गए चुके हो वह कुष्ठ रोग मनुष्य को मार देता है इसमें टीकाकर क्या बोलते हैं साध्यादि वेदमा साध्यम तो रक्त मास इत्यादि वात श्रेष्ठम चि मास कुष्टा किटिपादि वर्ज्यम मज्जास्ति संक्षिप्त मिति अत्र मज्जास्ति प्रत्यास्तया शुक्रगत स्थानस्य साध्यत्वम बोधव्यम प्रभिन्नमिति विदर्णम पंचकर्म गुणाति तमिति पूर्व रूप क्रियास रसादि धातुनां चतुरंगं क्रियाकलापः पंचकर्माणि तेषाम् गुणां विर्याणि तादन्यतितो यः स अस्थि मज्जागत इति अर्थः ताश्च क्रियाः पूर्व रूपे शोधनं उभयेत त्वक्प्राप्ते शोधना लेपनादि रक्तप्राप्ते शोथ शोथना लेप शोधना लेपन कषायपान शुणितवसेकादि एवं मास मेदो द्रष्टव्य मित्र पंचकर्मा वमनादी मतलब कुछ तो लिखते हैं साध्य यहां चाहिए। अर्थात एक कुष्ट और किटिप जो पृथक हो मज्जा संशिता मज्जा और अस्थिगत कुष्ठ तो असाध्य होता ही है कि उनके सानिध्य से शुक्रगत कुष्ठ की भी असाध्यता जान लेनी चाहिए प्रभिन्न अर्थात फटने फुटने वाला अथवा जिसमें व्रण विदिन हो गया हो और शत में पुयादि पड़ गए हूं कुष्ठ के पूर्व रूप से लेकर रस रक्त मांस और मेद आदि चार धातुओं तक वमन विरेचन आदि पंचकर्म का प्रभाव पड़ सकता है पंचकर्मों के गुण अर्थात वीर्य अथवा सामर्थ्य तानी अर्थात उन पंचकर्मों की साध्य शक्ति से बाहर निकल चुका हो अर्थात अस्थि मज्जागत कुष्ठ असाध्य होता है यह पंचकर्मादि क्रियाएं इस विधि से दी जाती हैं यथा कुष्ठ के पूर्व रूप में वमन विरेचन से उर्दवाधर संशोधन त्वचा तो अच्छा तक पहुंचे हुए कुष्ठ में उभेतर संशोधन और कुष्ठग्न लेपादि का प्रयोग करना चाहिए रक्तगत कुष्ठ में वमन विरेचन कुष्ठग्न लेप रक्त शोधक कषाय तथा रक्त मोक्षण करना चाहिए मांस मेधुगत कुष्ठ में भी यही उपचार किया जाता है अथवा वमन आदि जो पंचकर्म होते हैं उनके गुण अर्थात रक्त शोधनादि फल से जो कुष्ठ अतीत है वह असाध्य होता है रस रक्त और मांस में होने वाला तथा वात और कफ की अधिकता से उत्पन्न कुष्ठ साध्य होता है मृदुगत कुष्ठ तथा दो दोषों से होने वाला कुष्ठ याप्य होता है मज्जा और अस्थिगत तो बढ़ वर्ज्य अर्थात असाध्य होते हैं जिस पड़ जाए और फूट गया हो और फुटकर बहने लगा हो जिसमें तो जिस वमन विरेचना पंचकम निष्फुल हो चुके हो ऐसे कुष्ठ तो मनुष्य को मार देता है तो अभी हम इतना करते हैं अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे अब हम सात बजे मिलेंगे सात बजे हम लोग अष्टांग हृदय का जो बाला में प्रतिषेध अध्याय है मतलब बच्चों को होने वाले जो व्याधियां हैं उनका प्रतिषेध उनकी चिकित्सा वाला अध्याय जो है वो हम पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को फिर मिलते हैं